हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है फिर से आपका नए ब्लॉग में। तो आज मैं फिर ऋषिकेश आया हूँ परमार्थ निकेतन आश्रम घाट पे। ये देखिए परमार्थ निकेतन आश्रम है और ये घाट है। तो मैं आपको दोनों जगह की वीडियो आज दिखाऊंगा। पहले मैं आपको घाट के दर्शन कराऊंगा, फिर मैं आपको अंदर लेके चलूंगा, दिखाते हैं आप। ये देखिए बोलो राम 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 सीता राम राम राम। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं परमार्थ निकेतन आश्रम के घाट पे खड़ा हूँ। ये गंगा घाट है, यहीं पे आरती होती है शाम को। अभी तो दोपहर का टाइम है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी बंद हो रखा है, ये वाला गेट खुल जाता है शाम को, तो वहाँ से भी एंट्री होती है। अभी दोपहर को नहीं खोलते क्योंकि सब लोग फिर भीड़ भाड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी पिछली बार जब मैं आया था, मैं आपको दिखाया था, मैंने वहाँ पे बैठ के आरती देखी थी। वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, ये खोल देते हैं, यहाँ पे भी लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ पे भी लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आरती होती है। ये देखिए, तो चलिए मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, हरे हरे राम हरे राम हरे राम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी गर्मी बहुत पड़ रही है, मतलब बहुत ही भयंकर है गर्मी पड़ रही है, लेकिन पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा है गंगा जल। और ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था एक ये वाला रास्ता है, ये भी उसका खोल देते हैं। खोलने के बाद वहाँ से फिर अभी पानी का लेवल थोड़ा कम होता है, वरना यहाँ पे वो देखिए वो जो कुंड दिख रहा है आपको, हवन कुंड, वहाँ तक आ जाता है पानी। ये देखिए, चलिए मैं आपको अंदर आश्रम के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे हैं, अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। यहाँ पे हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति है, पहले उसके दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, दीवारों पे भी मूर्ति बनी हुई है, कितनी सुंदर पेंटिंग करी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये हनुमान जी की कितनी सुंदर मूर्ति है। ये देखिए, ये आपने देखी होगी फोटो, या जब भी आप ऋषिकेश की फोटो डालेंगे तो। ये देखिए, यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे भी जब शाम को आरती होती है तो ये वाला जो घाट है, ये देखिए, ये सारा घाट फुल हो जाता है, इधर वाला भी। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी फुल हो जाता है, यहाँ पर भी लोग खड़े होके आरती के वो दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आश्रम में अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ अंदर का व्यू। ठीक है दोस्तों, मैं परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर आ चुका हूँ। व्यू देखिए, पीछे एकदम पहाड़ है एकदम। अभी दोपहर का टाइम है, अभी भी भीड़ है। ये देखिए, बहुत सारी मूर्तियाँ, मैं आपको सब दिखाता हूँ आगे क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टैचू वगैरह बने हुए हैं, ऐसे यहाँ पे रूम वगैरह भी मिल जाते हैं। ये पार्क वगैरह है, सामने सत्संग हॉल है, इधर कैंटीन भी है, मैं आपको और दिखाऊंगा। ये देखिए, तो चलिए चलते मैं आपको सब दिखाता हूँ धीरे धीरे। ये देखिए, ये शिव जी की मूर्ति आपने ये जरूर देखी होगी, और ये भी मैंने आपको शायद पिछली बहुत पहले वीडियो बनाई थी, एक साल पहले, तब दिखाया होगा। ये देखिए, जन्म शिक्षा विवाह कार्य बीमारी मृत्यु शमशान, जीवन चक्र बना रखा है। ये देखिए, और इधर भी है, ऐसे बैठने की बहुत सारी जगह बन रखी है आश्रम में, और यहाँ स्टैप मूर्तियाँ वगैरह भी हैं। ये देखिए, हर किसी का देख रहा है। ये देखिए, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं आपको अभी सभी दिखाता हूँ। ये देखिए, गार्डन वगैरह भी बहुत सुंदर बना रखा है। इधर भी है, ये देखिए,
रूम रिजर्वेशन ऑफिस इधर है सामने, आप बुकिंग करवा सकते हैं रूम की, ऑनलाइन भी हो जाती है। बाकी आश्रम बहुत बड़ा है ये, इसकी बैक साइड है, तो बैक साइड से आप निकल जाएंगे, वो जो आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ से राइट साइड होंगे तो भूतनाथ मंदिर का रास्ता आ जाएगा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये आपने मंदिर के अंदर की मूवी वगैरह देखी होगी, वो सामने जो रास्ता दिख रहा है वहाँ कैंटीन है। ये देखिए, यहाँ पे पानी भी लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे ये सब लोग आ रखे हैं, देखिए अमिताभ बच्चन, कंगना रनावत, बड़े बड़े लोग, मंत्री वगैरह शाम ये शाम को देखिए, जो बाहर में आपको घाट दिखा रहा था आरती होती है तो ऐसा दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता रहता है, ये देखिए मोदी जी लगे हुए हैं, ये राष्ट्रपति जी, कोई ना कोई यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। बैक वाले रास्ता से दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से जाएंगे तो सीधा भूतनाथ मंदिर में निकलेंगे। बता रहा था यहाँ से निकल गया, यहाँ पे ये गेट है और यहाँ से जाएंगे, ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है इधर घूमेगी, यहाँ से भूतनाथ मंदिर का रास्ता है। देखिए मैं आश्रम के पीछे आ गया, ये भी उन्हीं की जगह है, यहाँ पे भंडारा वगैरह चढ़ता है, पार्किंग वगैरह होती है। यहाँ पे मैं भी पहली बार ही आया हूँ, यहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है, यहाँ जगह पर भी मैं पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, ये भी अंदर आश्रम का हिस्सा है बैक साइड का, तो मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इधर भंडारा वगैरह चलता है यहाँ पे लोग। वाइस कितना सुंदर है, ये देखिए गंगा जी मत नहीं हो ये देखिए, तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। ये देखिए शिव जी की मूर्ति, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इधर कैंटीन है, मैं आपको कैंटीन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भोजनालय वगैरह है, कैंटीन है, ये पीछे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे हवन कुंड बना रखे हैं यहाँ पे। दोस्तों सामने वो भूतनाथ मंदिर है, वो जो दिख रहा है आपको, ये देखिए ये वाला, ये भूतनाथ मंदिर है, ये आश्रम के बैक साइड इधर की साइड का व्यू है। यहाँ पे भी रूम वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग रखे हुए हैं नाम, देखिए जैसे यमुना ब्लॉक, गंगा ब्लॉक, भागीरथी ब्लॉक, तो ऐसे सबको बांट देते हैं तो उसी में रूम मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, जैसे आपको पता है कि भीड़ बहुत, मई जून का सीजन चल रहा है, हरिद्वार ऋषिकेश सब जगह
तो यहाँ पे भीड़ बहुत आ रखी है। देखिए इस टाइम दोपहर को भी लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, सब बैठ रखे हैं। देखिए तो मैंने अंदर दिखा दिया, मैं आपको और इधर दिखा दूँ। तो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, ये भी आश्रम का इधर का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर भी मंदिर बना रखा है एक, ये देखिए कितना सुंदर बना रखा है यहाँ पे। ये पहले नहीं था, अभी नया बना है ये, मतलब कुछ टाइम हो गया इसको। ये देखिए गर्मी हो रही है यहाँ पे, लोग हर जगह बैठे हुए हैं, मिले हैं, रूम के लिए भी आते हैं। यहाँ पे भी रूम सिस्टम सब फुल हो रखे हैं। ये देखिए तो दोस्तों मैंने आपको पूरा आश्रम दिखा दिया। ये सामने इधर आएंगे, इधर वॉशरूम वगैरह है और उधर पीने का पानी उधर लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। इधर जहाँ से मैं आया था वहाँ कैंटीन है, अंदर कैंटीन भी खुली हुई है, खाना पीना सब कुछ खा सकते हैं और रूम वगैरह भी मिल सकते हैं। और जो महाराज जी हैं वो शाम को मिलते हैं आरती के बाद, शाम को आरती होती है उसके बाद। और पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पे उधर भूतनाथ मंदिर है पीछे, जो बैक साइड दिखाई थी। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर गंगे।